हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं दीपांकर सर आप सभी का फिर से एक बार वेलकम करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। ये टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर में रोटेशन थ्योरम। ये टॉपिक जो है इसका नाम है रोटेशन थ्योरम नाम है इसको, हम लोग कोनी मेथड भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कोनी मेथड को पूरा डिस्कस करेंगे एंड आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको रोटेशन थ्योरम या कोनी मेथड से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग ये सेशन को स्टार्ट करते हैं एंड डियर फ्रेंड्स, ये सेशन को लाइक भी कर देना है एंड इसको शेयर भी कर देना है। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं एंड वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। तो ये रियल ऑफ जेड, ये इमेजिनरी ऑफ जेड। अब मेरे पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर ए है जिसका पॉइंट हम लोग जेड वन बोल रहे हैं और ये जो पॉइंट इसको ए से डिनोट कर रहे हैं, पॉइंट ए इज डिनोटेड बाय जेड वन, यानी ये जो जेड वन कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको और ओरिजिन को जोड़ रहे हैं, तो जो स्ट्रेट लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन का अगर हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करेंगे तो दैट इज अल्फा। इन द सिमिलर वे पॉइंट बी इज डिनोटेड बाई जेड टू, यानी पॉइंट बी को हम लोग जेड टू से डिनोट कर रहे हैं एंड लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट बी एंड ओरिजिन मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा प्लस अल्फा विथ रियल एक्सिस। ये बीच का एंगल थीटा है बच्चों, ये एंगल अल्फा है। तो ये जो ओबी लाइन है ये रियल एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाएगा, थीटा प्लस अल्फा। ये पूरा एंगल थीटा प्लस अल्फा बना रहा है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन रियल एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड टू जो कि बी पॉइंट से डिनोटेड है ये थीटा प्लस अल्फा एंगल बना रहा है। उसी को हमने लिख दिया है, पॉइंट ए इज डिनोटेड बाय जेड वन, पॉइंट बी इज डिनोटेड बाय जेड टू। एंड आप बताइए कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का ये ए पॉइंट जेड वन है, ये ओरिजिन है, तो ओए का जो लेंथ होगा, ओए का जो लेंथ होगा दैट इज इक्वल टू मॉड जेड वन, यानी जेड वन कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस की बात करेंगे तो दैट इज ओए यानी मॉड जेड वन। इसी तरह से जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड टू है उसका मॉडुलस हो जाएगा मॉड जेड टू, यानी ओए इक्वल टू मॉड जेड वन, ओबी इक्वल टू मॉड जेड टू। अब हमें क्या करना है बच्चों, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करना है। तो आपको पता है पोलर फॉर्म में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं जेड वन इक्वल टू, अगर हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखे देन वी कैन राइट जेड वन इक्वल टू मॉड जेड वन, जेड वन इक्वल टू मॉड जेड वन ई पावर आयोटा अल्फा। ये एंगल अल्फा बना रहा है तो इसको लिख दिया जेड वन इक्वल टू मॉड जेड वन ई पावर आयोटा अल्फा, इसको फर्स्ट नंबर इक्वेशन दे दिया। इसी तरह से ये जो जेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका एंगल थीटा प्लस अल्फा है, इसका मॉडुलस मॉड जेड टू है, तो जो जेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको लिख सकते हैं मॉड जेड टू ई पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फा, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। यानी एक बार जेड वन कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख दिया जेड वन इक्वल टू मॉड जेड वन ई पावर आयोटा अल्फा, जेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख दिया जेड टू इक्वल टू मॉड जेड टू ई पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फा। पहला फर्स्ट नंबर इक्वेशन, दूसरा सेकंड नंबर इक्वेशन। अब यहां स्टूडेंट्स ध्यान देना है, हम इक्वेशन सेकंड जो यहां पर मैं इक्वेशन सेकंड यहां पर मैं लिख सकते हैं जेड टू इक्वल टू मॉड जेड टू ई पावर आयोटा थीटा इंटू ई पावर आयोटा अल्फा, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया थीटा प्लस अल्फा, ई पावर आयोटा ब्रैकेट थीटा प्लस अल्फा उसको लिख दिया ई पावर आयोटा थीटा इंटू ई पावर आयोटा अल्फा। ये इक्वेशन सेकंड को हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, फर्स्ट को अभी यूज नहीं किया है। अब देखिए यहां पर मैं फर्स्ट इक्वेशन में अगर ई पावर आयोटा अल्फा लिखे, फर्स्ट इक्वेशन से ई पावर आयोटा अल्फा, देन ई पावर आयोटा अल्फा इक्वल टू जेड वन बाई मॉड जेड वन, जेड वन बाई मॉड जेड वन, यानी इक्वेशन वन से ई पावर आयोटा अल्फा को लिख दिया जेड वन बाई मॉड जेड वन। अब हम ये बोल सकते हैं कि ये ई पावर आयोटा अल्फा इक्वल टू जेड वन बाई मॉड जेड वन को यहाँ पुट कर देना है, यानी जो ई पावर आयोटा अल्फा है उसके जगह जेड वन बाई मॉड जेड वन इस इक्वेशन में पुट कर देना है। यानी माय डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जेड टू इक्वल टू मॉड जेड टू ई पावर आयोटा थीटा इंटू ई पावर आयोटा अल्फा के जगह जेड वन बाई मॉड जेड वन, जेड वन बाई मॉड जेड वन। अब देखिए यहां पर मैं ये जेड वन को इधर लेके आया तो जेड टू बाई जेड वन हो गया, इधर में न्यूमरेटर में मॉड जेड टू,
डिनोमिनेटर में मॉड जेड वन एंड बगल में बैठा हुआ है ई पावर आयोटा थीटा। तो इस डायग्राम को देखते हुए फॉर्मूला बना दिया कि जेड टू बाई जेड वन इक्वल टू मॉड जेड टू बाई मॉड जेड वन इंटू ई पावर आयोटा थीटा। ठीक है, जेड टू बाई जेड वन इक्वल टू मॉड जेड टू बाई मॉड जेड वन इंटू ई पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बना जेड टू बाई जेड वन इक्वल टू मॉड जेड टू बाई मॉड जेड वन इंटू ई पावर आयोटा थीटा। अब आप बोलोगे कि सर ये तो फॉर्मूला आपने लिख दिया लेकिन इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे और इसको हम लोग कैसे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए उसको हम लोग अब डिटेल में देखते हैं। ये फॉर्मूला को फिलहाल के लिए अब बॉक्स बना के घेर लिया गया है। इसको जो भी फॉर्मूला हम लोग बॉक्स में लिखेंगे वो समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है, उसको आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए जेड टू बाई जेड वन इक्वल टू मॉड जेड टू बाई मॉड जेड वन इंटू ई पावर आयोटा थीटा ऐसा लिख दिया हमने। जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका ले सकता है स्क्रीनशॉट। ठीक है, आप पहले इसको समझ लीजिए फिर इसके बाद में अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला है जेड टू बाई जेड वन इक्वल टू मॉड जेड टू बाई मॉड जेड वन इंटू ई पावर आयोटा थीटा, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए जरा गौर से, हम जेड टू को लिख सकते हैं जेड टू माइनस जीरो डिवाइड बाई जेड वन को लिख सकते हैं जेड वन माइनस जीरो इक्वल टू, अगर मॉड जेड टू को लिखें देन वी कैन राइट इट एज मॉड जेड टू माइनस जीरो डिवाइड बाय मॉड जेड वन माइनस जीरो इंटू ई पावर आयोटा थीटा। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए जेड टू बाई जेड वन था तो मैंने क्या किया जीरो घटा दिया, जीरो घटा सकते हैं, जीरो घटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन z2 माइनस जीरो डिवाइड बाई जेड वन माइनस जीरो इक्वल टू यहां भी जीरो घटा दिया मॉड z2 माइनस जीरो डिवाइड बाई मॉड z1 माइनस जीरो e पावर आयोटा थीटा। इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए यहां पर मैं इसको रोटेशन फॉर्मूला यू बोल रहे हैं। देखिए z2 माइनस जीरो तो आप ऐसा समझिए स्टूडेंट्स कि एक लाइन है OA एंड इस लाइन OA को थीटा एंगल से एंटी क्लॉक में रोटेट कर रहे हैं देन हमें लाइन OB मिल रहा है। यानी आपको करना क्या है कि ये लाइन है OA, इस OA लाइन को थीटा एंगल से एंटी क्लॉक में रोटेट किया है विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट ओरिजिन, ओरिजिन को फिक्स मानते हुए OA लाइन को रोटेट कर रहे हैं थीटा एंगल से, तो मुझे OB लाइन मिल गया। ठीक है, अब जो OA लाइन है उसका O पॉइंट फिक्स है एंड A पॉइंट जो है मूव कर रहा है। इसी तरह से OB लाइन का O पॉइंट फिक्स है एंड B पॉइंट जो है यहां पर में क्या आ गया जेड टू आ गया। तो आप देखिए यहां पर मैं ये जेड टू ये जीरो ये जेड वन ये जीरो, OA आपका इनिशियल लाइन हो गया, OB क्या हो गया फाइनल लाइन। OA को आपने रोटेट किया ओरिजिन के अबाउट में तो आपको OB लाइन मिल गया, यानी ओरिजिन फिक्स पॉइंट हो गया, OA आपका इनिशियल लाइन हो गया, उस OA को आपने एंटी क्लॉक में रोटेट किया थीटा एंगल से तो आपको OB लाइन मिल गया। ठीक है, तो आपने क्या लिखा देखिए यहां पर मैं, यानी ये फाइनल पॉइंट है ये फिक्स पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है ये फिक्स पॉइंट है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं फाइनल माइनस फिक्स डिवाइड बाय इनिशियल माइनस फिक्स इक्वल टू फाइनल का मॉड, यानी फाइनल का मॉड मतलब क्या हुआ दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लिखते हैं तो दोनों को घटा के दोनों का मॉडस ले लेते हैं। तो जेड टू माइनस जीरो मॉड जेड टू माइनस जीरो डिवाइड बाय इस लाइन का मॉड कितना हो जाएगा मॉड जेड वन माइनस जीरो एंड जितना एंगल से रोटेट किया थीटा एंगल से रोटेट किया तो इसको लिख दिया ई पावर आयोटा थीटा। यानी इस फॉर्मूला को रोटेशन थ्योरम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि OA लाइन को आपने थीटा एंगल से एंटी क्लॉक में रोटेट किया तो आपको OB लाइन मिला। हियर पॉइंट O इज फिक्स्ड, A पॉइंट जेड वन इज इनिशियल पॉइंट एंड B पॉइंट जेड टू इज फाइनल पॉइंट, यानी फाइनल माइनस फिक्स जेड टू माइनस जीरो डिवाइड बाय इनिशियल माइनस फिक्स जेड वन माइनस जीरो इक्वल टू फाइनल का मॉड। तो फाइनल का मॉड यानी ओबी का मॉड, ओबी का मॉड यानी मॉड जेड टू, मॉड जेड टू यानी मॉड जेड टू माइनस जीरो डिवाइड बाय इसका ओए का मॉड यानी मॉड जेड वन माइनस जीरो। ठीक है, ई पावर आयोटा अल्फा थीटा, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अब मान लो कि आपके पास में इस तरह का कुछ सिचुएशन अगर है, मान लो सपोज करो ये Z1 हो गया, ये Z2 है,
ये जेड थ्री है बच्चों, ठीक है। ये एंगल कितना से रोटेट किया एंटी क्लॉक में, थीटा से। अब मान लो इस तरह का कोई फिगर बना दिया हम लोगों ने, तो अब यहां पर गौर से देखिए हमने क्या किया, ये लाइन है, इसको मान लो ए पॉइंट मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। तो आपने क्या किया, ये जो ए बी लाइन है इसको एंटी क्लॉक में थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट ए, तो आपको एसी लाइन मिलेगा। तो यहां पर मैं जेड थ्री जो है फाइनल पॉइंट है, जेड वन फिक्स पॉइंट है, जेड टू क्या है इनिशियल पॉइंट है। ध्यान से देखिएगा, हमने दूसरा ये ओरिजिन को शिफ्ट करके कहां पर ला दिया, ए पॉइंट पर ला दिया, जेड वन पर ला दिया। अब ध्यान से देखना है बच्चों इस फिगर को, ये फिगर और इसमें क्या डिफरेंस है, इस फिगर और ये में डिफरेंस ये है कि आपने ओरिजिन को शिफ्ट करके कहां पर पहुंचा दिया, जेड वन पर पहुंचा दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पर ध्यान से, इसको कितना जेड टू, इसको जेड थ्री, तो ए पॉइंट जेड वन ये ए बी लाइन को थीटा एंगल से एंटी क्लॉक में रोटेट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट ए, तो आपको एसी लाइन मिल गया, ठीक है। यहां पर मैं ये ए जेड वन है, ये बी जेड टू है, ये सी कितना हो गया, जेड थ्री हो गया। इस फिगर पर कितना लिखोगे, यहां पर मैं अप्लाइंग रोटेशन थ्योरम, अप्लाई रोटेशन थ्योरम, ठीक है। तो क्या करेंगे देखिए, फाइनल माइनस फिक्स यानी जेड थ्री माइनस जेड वन, फाइनल माइनस फिक्स ये डिवाइड बाय इनिशियल माइनस फिक्स यानी जेड टू माइनस जेड वन इक्वल टू फाइनल लाइन का मॉड। तो फाइनल लाइन का मॉड कितना हो गया, जेड थ्री माइनस जेड वन का मॉड, यहां पर लिख देंगे मॉड ऑफ जेड थ्री माइनस जेड वन डिवाइड बाय, यहां पर लिख देंगे मॉड ऑफ जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है, इनटू ई पावर आयोटा थीटा। तो यहां पर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस फिगर को देखते हुए हम लोग लिखेंगे जेड थ्री माइनस जेड वन डिवाइड बाई जेड टू माइनस जेड वन इक्वल टू मॉड जेड थ्री माइनस जेड वन डिवाइड बाई मॉड जेड टू माइनस जेड वन इंटू ई पावर आयोटा थीटा। तो इस तरह से आप फॉर्मूला को लगा सकते हैं, फाइनल माइनस फिक्स डिवाइड बाई इनिशियल माइनस फिक्स इक्वल टू फाइनल का मॉड डिवाइड बाई इनिशियल का मॉड इंटू ई पावर आयोटा थीटा।